हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड रहेंगे। और ये वीडियो जो है इसमें हम आपके लिए बेसिक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पता है। लास्ट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के सही आंसर पता है। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू। आपको बताना है कौन सा वो फंडामेंटल राइट है जिसमें ये बताया जाता है कि उसके बगैर फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ या फिर राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको बताना है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये किस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। चार ऑप्शन आपके पास, आर्टिकल 21 एंड 22, 29 एंड 30, 25 एंड 26, 19 एंड 20। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज़ कॉल्ड विच आर्टिकल एज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा है हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस आपके पास, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 21। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, आर्टिकल 32। दोस्तों याद रखें कि जो आर्टिकल 32 है ये डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। आपको बताना है वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन सिटीजन्स को गारंटी प्रोवाइड करता है लेकिन फॉरेनर्स को किसी भी तरह की गारंटी ये प्रोवाइड नहीं करता। चार ऑप्शन आपके पास, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ए न्यू आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन आपके पास, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों याद रखें कि ये एक्ट साल 2002 में इंसर्ट किया गया और ये डील करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। आपको बताना है राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से रिमूव किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव किया गया। चार ऑप्शन आपके पास, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 या फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट इन 1989। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। आपको बताना है वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि इंडियन सिटीजन के राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 19 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लाज 2 से लेकर क्लाज 6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज विच टाइप ऑफ राइट। आपको बताना है जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस तरह का राइट है। ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ह्यूमन। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, लीगल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो कि सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ तरह की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 20। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स ये किस पार्ट में डिफाइन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शंस आपके पास पार्ट 3 इन आर्टिकल 12-35, पार्ट 4 इन आर्टिकल 36-51, पार्ट 1 इन आर्टिकल 1-4 या फिर पार्ट 2 इन आर्टिकल 5-11। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए। ये पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 ये किसके मुताबिक है, किसके रिगार्डिंग है। ऑप्शन आपके पास प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन। आपको बताना है किस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। चार ऑप्शन आपके पास यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। चार ऑप्शन आपके पास आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। चार ऑप्शन आपके पास 5, 7, 6 या फिर 8। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, 6। दोस्तों जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें एक है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल राइट्स। आपको बताना है किस ऑब्जेक्टिव के अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हैं इनको फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है। चार ऑप्शन आपके पास टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस, टू सपोर्ट आर्टिस्टिक फ्रीडम, टू हेल्प माइनॉरिटीज कंजर्व देयर कल्चर या फिर टू एनकरेज इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, टू हेल्प माइनॉरिटीज कंजर्व देयर कल्चर। तो दोस्तों ये थे फंडामेंटल राइट्स पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़, अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।